सई ने विराट से अपने प्यार का इजहार तो कर ही दिया है। हालांकि अश्विनी ताई जब सई के पास पहुंची और इस बात को लेकर हाथ जोड़कर भीख मांगती नजर आई कि वो उसके बेटे यानी कि विराट के ट्रांसफ़र को होने से रोक ले, क्योंकि विराट अब उससे दूर जा रहा है, वहीं अश्विनी ताई ने सई से साफ साफ ये भी पूछा कि वो अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताए कि आखिर वो वाकई में अपनी पूरी ज़िंदगी सत्या के साथ बिताना चाहती है या वो विराट से प्यार करती है। सई भले ही अश्विनी ताई को इस बात का जवाब ना दे पाई हो, लेकिन सई ये खुद जानती है और मानती है कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि विराट है, बल्कि वो शख्स है जो उसके बच्चे सवि और वीनू के बाबा है। सत्या के साथ उसने शादी भले ही किसी भी परिस्थिति में की हो, लेकिन वो आज भी विराट को ही चाहती है और इसीलिए वो विराट को रोकने के लिए दौड़ी दौड़ी पहुंच जाती है एयरपोर्ट, जहां पर वो गले लगकर साफ साफ विराट को आई लव यू बोल देती है। इसके बाद विराट भी सई से अपने प्यार का इजहार करता है। वो साफ साफ कहता है सई से कि अगर तुम मेरे साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो तो ही मैं अपना ट्रांसफ़र नहीं लूँगा, और सई इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। हम आपको बता दें कि खुद सत्या भी यही चाहता है कि अब विराट और सई एक हो जाएं। इसके बाद विराट सई को लेकर चव्हाण निवास जाता है। हालांकि भवानी अभी तक सई से बेहद नाराज़ थी, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर विराट की ज़िंदगी में कोई खुशी ला सकता है तो वो है सई, और इसीलिए सई जब चव्हाण निवास आती है तो खुद भवानी जो है वो उसकी आरती उतारती है। इतना ही नहीं, वो सई से माफ़ी मांगती भी नज़र आने वाली है। तो एक बात तो तय है कि अब बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है विराट और सई का महामिलन। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं।